बाद साहेबगंज की, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ में एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 14 लोग पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से 13 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम मवेशी पालक नाव से चारा लाने के लिए खेत गए थे और इस दौरान नाव पर क्षमता से ज्यादा 14 लोग सवार थे, जबकि पशु का चारा और सवारी अधिक होने से नाव का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी लोग उफनती गंगा में डूब गए। हादसे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और 14 में से 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक अभी भी लापता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव खुद वहां पर मौजूद हैं। लाइफ जैकेट के साथ पानी में घुसकर उन्होंने कमान संभाली। उनके साथ घटनास्थल पर एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा भी मौजूद रहे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुधाकर। सुधाकर, क्या अपडेट है फिलहाल? क्या जो शख्स लापता था उसकी तलाश खत्म हुई है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से? जी देखिए, बिल्कुल 14 लोग उस नाव में सवार थे और गाय का जो चारा होता है उसको लाने के लिए दूसरे तरफ गए हुए थे। जब उधर से लौट रहे थे तो नाव में जो चारा लेके जो आ रहे थे तो नाव का संतुलन बिगड़ जाने से, क्योंकि भारी बहुत हो गया था नाव, उसके बाद नाव जाके डूब गई, जिसमें से 14 लोग वहीं पे डूब गए। लेकिन 13 को किसी तरह मशक्कत करने के बाद 13 लोगों को बाहर निकाला गया और एक अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम अभी सुबह सुबह वहां पे पहुंची हुई है और एक व्यक्ति को, जो लापता व्यक्ति है, उसे खोजा जा रहा है। मौके वारदात पर कल ही रात को ही डीसी एसपी जिले के आला अधिकारी सब वहां पर पहुंचे थे और जिस तरह डीसी ने तत्परता दिखाई, खुद जैकेट पहन के उन्होंने पानी में कूद किया और बचाव के लिए लोगों को बाहर निकाल रहे थे। तो अभी बहरहाल यही स्थिति बनी हुई है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है, एक लोग की तलाश जारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब तक जो शख्स लापता था उसकी अब तक तलाश चल रही है, अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन बताएं आपको ये पूरा मामला कि किस तरह कल नाव डूब गई साहबगंज में, गंगा में नाव पलट गई, 14 लोग सवार थे, 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि एक अभी लापता है।